देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज रांची के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि रांची में विस्तारित कार्य समिति की बैठक में वे हिस्सा लेंगे। वहीं इसके बाद अमित शाह करीब 4 बजे प्रदेश भाजपा के हरमू रोड स्थित दफ्तर आएंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे, जिसके बाद वह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से करीब 7:30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। लखनऊ के कोकरेल रिवर फ्रंट पर हो रहे सौंदर्यकरण में पिछले दिनों खाली कराए गए अकबर नगर की जमीन पर अब 32 प्रजाति के पौधे लगाने का काम होगा। इसकी शुरुआत आज से होगी। बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं यहां पौधारोपण करेंगे। इस दिन यहां 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। आज भी चलेगी राजस्थान विधानसभा। जी हां, 16वीं राजस्थान विधानसभा के द्वितीय सत्र की बैठक आज होगी। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अयोध्या में वृद्ध पौधारोपण अभियान के तहत आज जिले भर में 39,79,000 पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है। मिल्कीपुर ब्लॉक क्षेत्र में विरासत वृक्ष वाटिका में पौधारोपण अभियान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि आज से वन विभाग की नर्सरी से पौधों की उठान शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आज दोपहर 12 बजे तक विवादों से घिरे नीट यूजी 2024 के केंद्रवार और शहरवार परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। नीट यूजी 2024 में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को शहरवार और केंद्रवार उनकी पहचान छुपाकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। प्रदेश में 7,26,000 से ज्यादा अनियमित कर्मचारी आज रैली निकालेंगे। नियमितीकरण समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के कर्मचारी शामिल होंगे। राजस्थान के जयपुर में कथक केंद्र कलावृत की ओर से जवाहर कला केंद्र में आज युवा एकल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि जवाहर कला केंद्र के सहयोग से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में युवा कलाकार शुभम पाल सिंह नृत्य प्रस्तुत करेंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध कॉलेजों में स्नातक और परास्नातक में प्रवेश के लिए आज पंजीकरण होंगे। बता दें कि प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को ₹600 विलम्ब शुल्क देना होगा। वहीं विश्वविद्यालय 28 जुलाई को इन कोर्सेस में प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। बोट अपना अब तक का सस्ता स्मार्ट रिंग आज लॉन्च करने वाला है। देसी ब्रांड ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। बोट का ये दूसरा और सबसे सस्ता स्मार्ट रिंग होगा। इसके पहले कंपनी ने पिछले साल बोट स्मार्ट रिंग लॉन्च किया था, जिसकी कीमत ₹8,999 है। मौसम विभाग ने एक बार फिर कुछ राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम शामिल है। बता दें कि आज भारी बारिश होने की संभावना है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। आज ही के दिन 1966 में भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1969 में अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2002 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच विमान सेवा की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन सन 2017 में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।